उद्घाटन से आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम काट दिया गया है। दोनों का दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। जौन राम मंदिर खातिर दोनों लोग बाबरी मस्जिद गिरवाए, लड़े, आंदोलन किए, रथा चलाए, खूब संघर्ष किए, अपन पूरा जीवन लगाए दिए, उनका फोटोजीवी लोग उद्घाटन में नहीं बुलाए हैं। कहे हैं कि वह बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, यही खातिर राम मंदिर उद्घाटन में वो नहीं आ पाएंगे। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता होगी और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। चिंचू की मम्मी कही 56 इंची सम्राट अगर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का बुलाए लेते तो मीडिया का सारा ध्यान तो आडवाणी पर होता, अखबार मैगजीन वगैरह सब लोग आडवाणी और जोशी के आगे पीछे घूमते रहते, सब राम मंदिर निर्माण का असल हीरो उनका ही मानकर कैमरा लेकर उन्हीं के पीछे भागते और अपने 56 इंची सम्राट सैकड़ों कैमरा के सामने जौन रैंप वॉक करे की योजना बनाए रहे, अपन चेहरा चमकाने का जो प्लान बनाए हैं सब धरा का धरा रह जाता बहनी। यही खातिर आडवाणी और जोशी का पहले तो बर्फ में लगाई दिए और उसके बाद राम मंदिर उद्घाटन में अधिकारों सारे छीन लिए। 56 इंची सम्राट राम मंदिर का उद्घाटन करके इतिहास में अपन नाम अमर करना चाहत है, यही लिए तो राष्ट्रपति का राम मंदिर का उद्घाटन के लिए ना ही बुलाए, ना ही उपराष्ट्रपति का, ना आडवाणी का, ना जोशी का। 56 इंची सम्राट सब को किनारे करके राम मंदिर का उद्घाटन खुद ही करे जा रहे हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कहीं जौन राम को लाए हैं हम उनसे मंदिर का उद्घाटन करवाएंगे। हाँ चिंटू की मम्मी कही बरमाइन तुमरे 56 इंची सम्राट 56 जन्मों ले लेना तो भी राम का ना ही ला पाएंगे। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कही मीडिया का कौन खरीदा बतावा हो, हमरे सम्राट ना खरीदे, दिन में 56 बार कपड़ा कौन बदलत है, हमरे सम्राट बदलत है, कैमरा जीवी कौन है, हमरे सम्राट है, 2024 में चुनाव किसे लड़ना है, हमरे सम्राट का लड़क है ना, वोट किसे मांगना है, हमरे सम्राट का मांगे जाना है ना, और इतिहास में अपना नाम किसे दर्ज कराना है बहिनी, अरे हमरे सम्राट का दर्ज कराना है। तो फिर बढ़ौती माँ आडवाणी और जोशी जैसे मार्गदर्शक लोग राम मंदिर का उद्घाटन करके क्या कर लेंगे। हाँ चंपत राय कहे जोशी और आडवाणी की उम्र बहुत हुई गई है, यही खातिर वो राम मंदिर का उद्घाटन में नहीं आएंगे। साफ साफ नहीं कह देते हैं कि वो राम मंदिर उद्घाटन में 56 इंची सम्राट को हीरो बनाना चाहते हैं। आडवाणी और जोशी आएंगे तो सवाल खड़े होंगे कि जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है उनसे उद्घाटन करावे का चाहिए था। सारे सवाल खत्म करने के लिए आडवाणी और जोशी का बुलाए नहीं है। अरे भैया जब अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, वो अनुपम खेर, अरुणा गोविल, वो राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, वो स्टंट वाला, वो रोहित शेट्टी, ये सब आ रहे हैं, वो रजनीकांत, चिरंजीवी, धनुष और वो कंगना दीदी, सब बिटिया भैया लोग आएंगे तो फिर नए भारत में आडवाणी जी का ही नहीं आ सकते हैं। हाँ कांग्रेस वाले गुब्बारे की दुल्हन कही मोदी जी दिल्ली से अपने 8,000 करोड़ के जहाज में जोशी और आडवाणी का बिठाए के ना ही ला सकते हैं का, जहाज मना थोड़ी कर देगा। चिंटू की मम्मी कही विश्व गुरु दुईठो बुजुर्ग लोगन का राम मंदिर तक ना ही ला पा रहे हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ई तो यही दिखाता है ना कि जानबूझकर नहीं ला रहे हैं। हाँ जिससे 56 इंची सम्राट की फोटोबाजी कोई बिगाड़े ना पाए। पट्ट से कांग्रेस वाले कुमारे की दुल्हन कहीं अरे जोशी और आडवाणी वोट डालने जा सकते हैं, जब वोट डालने जाते हैं तो यही गोदी मीडिया कहता है कि ई उम्र में भी ई जज्बा बरकरार है, का बात है का बात है। और अब 56 इंची सम्राट की खास वो चंपत राय कह रहे हैं कि आडवाणी और जोशी बड़े उम्र दराज है, यही खातिर नहीं आ पाएंगे। चिंटू की मम्मी कहीं कांग्रेस वाले कुमारे की दुल्हन बीजेपी वाले वर्मा जी के बॉस 56 इंची सम्राट बहुत बारीक से काटा थे, चंपत राय से कहला कर सांप मार दिए और लाठी होना ही टूटी,
वैसे तो बहनी राम मंदिर का उद्घाटन देश की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चाची का करे चाहिए था, लेकिन मोदी जब संसद में उद्घाटन उनसे नहीं करवाए तो ये तो राम मंदिर है। 56 इंची सम्राट फोटो खिंचाने के बड़े शौकीन हैं, दूसरे का धक्का मार के आगे आ जाते हैं, जैसे अडवाणी और जोशी का धक्का मार के आगे आ गए हैं। ही कहते हैं हींग लगे ना फिट करी रंग चढ़े वो भी चोखा। जौन उमा भारती लोग सब मेहनत किए वो सबका किनारे फेंक कर हमरे हीरो हीरा लाल सारी महफिल लूट लिए हैं। हम कहे आज के पंचोरे का यही खत्म किया जाए, सब लोग अपन अपन ख्याल रखना, चलते हैं। भैया बहनी चाचा चाची फूफा फूफू देर जेठानी देवरानी और सेठानी लोगन का राम राम। और हाँ, खास तौर पर विदेश में बैठ के अपनी माटी की खुशबू का महसूस करे वाले सारे NRI भाई बहनी लोगन का अलग से नमस्कार। हम कोशिश करते हैं कि अपने अवध की बोली भाषा का प्रज्ञा चाची की चुगली से ना दूर दूर तक पहुँचाया है। बिहार के भैया बहनी लोग सब गर्व से भोजपुरी बोलत है, महाराष्ट्र के भैया बहनी लोग सब कितने गर्व से अपनी मराठी बोलत है, तमिल तेलुगु मलयाली हरियाणवी पंजाबी बंगाली सबका अपनी अपनी बोली भाषा पर बहुत गर्व है ना। तो हम भी अवध के लोग हैं, हम लोग भी अपने यूपी की बोली भाषा का दूर दूर तक पहुँचाएंगे और आगे बढ़ाए खातिर कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमारी कोशिश जारी रहेगी। चलते हैं, जय राम जी की।